राजद के लोग भौंक भौंक के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे महोदय, इतना गंदा बोल रहे थे महोदय, इन लोगों को आदत लग गया है महोदय। उन्होंने इशारा करके कहा कि दलित की भाषा भौं भौं है, भै भै है, इस तरह से दलितों का अपमान हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इस आसन पे बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि सदन में कोई दलित का बेटा को बोलने का अधिकार नहीं, तो मैं सदन का बहिष्कार करता हूं, हम लोग सदन से चले। नमस्कार मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। बिहार विधानसभा में बिहार बजट को लेकर चर्चा जो है वो आज हुआ, कल भी हुआ था, आज भी हुआ, लेकिन जब बीजेपी के विधायक कुमार शैलेंद्र की बोलने की बारी आई तो वो बिहार बजट पर बोल ही रहे थे, लेकिन अचानक वो पहुंच गए विपक्षी खेमे की तरफ, बयानबाजी करने लगे और उन्होंने कहा विपक्ष की आदत है भौं भौं करने के लिए। जैसे ही भौं भौं शब्द जो है वो विपक्षी खेमे के लोगों ने सुना, विपक्षी खेमे के सदस्यों ने सुना, खूब हंगामा जो है वो बिहार विधानसभा के अंदर जो है हुआ। सबसे पहले खड़े होते हैं अलौली के आरजेडी के विधायक राम वृक्ष सदा, और वो चिल्लाने लगते हैं ये है और कहते हैं ये क्या हो रहा है, किस तरीके की भाषा का प्रयोग जो है वो सत्ता पक्ष के विधायक करें। इसके बाद पूरा विपक्षी खेमा जो है वो एकजुट हो जाता है और कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर जो बीजेपी के विधायक कुमार शैलेंद्र ने कहा कि विपक्ष की आदत है भौं भौं करने की, उसको कहीं ना कहीं नाराजगी प्रकट करते हैं और ये कहते हैं कि कुमार शैलेंद्र को माफी मांगनी चाहिए, और माफी की मांग पर पूरा विपक्ष जो है वो अड़ जाता है और सदन से वॉकआउट कर जाता है। पूरा विजुअल्स अब आपको छोड़े जाते हैं किस तरीके से कुमार शैलेंद्र जो कि बीजेपी के विधायक है उन्होंने बयान दिया और उसके बाद सदन में हंगामा होता चला गया। हम भी काट लेते थोड़े से तलबे, अगर हम भी चाट लेते तरक्की की फसल, हम भी काट लेते थोड़े से तलबे, अगर हम भी चाट लेते मेरे लहजों में जी हजूर नहीं था, इनके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था। पल भर के लिए मैं बेजमीर हो जाता, पल भर के लिए मैं बेजमीर हो जाता, मानिए मेरा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कब अमीर हो जाता, कब अमीर हो जाता। राजद के लोग भौंक भौंक के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे महोदय, इतना गंदा बोल रहे थे महोदय, इन लोगों को आदत लग गया है महोदय। किस तरह ये लोग चिल्लाते हैं महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए का संस्कार है कि हम लोग संसदीय भाषा के तरह बोलते हैं। महोदय बोलने लगेंगे तो ये छोड़ के चले जाएंगे। महोदय सबसे पहले तो इश्तहार चिपका दीजिए, इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जनता ने इनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहाँ पर भेजा था। माननीय सदस्य को बोलने दिए ना। उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपके समक्ष एक दलित माननीय विधायक ने अपनी बात बड़ी ही स्पष्टता से और बड़ी ही शालीनता से सरलता से रख रहे थे, लेकिन आपने देखा वो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक, उनका मैं सम्मान करता हूँ, उन्होंने इशारा करके कहा कि दलित की भाषा भौं भौं है, भै भै है, इस तरह से दलितों का अपमान हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, उनको माफी मांगना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इस तरह से दलितों की उपेक्षा हो रही है, निश्चित तौर पर उनको माफी मांगना चाहिए। आपसे अनुरोध है महोदय, ये दलितों का अपमान है। संसदीय भाषा निकाल दिया जाएगा महोदय, जो भी पार्लियामेंट्रियन वार्ड है सब निकल गए। इनके तेजस्वी यादव महोदय अपने बजट ऐसा भाषण में इन्होंने खुद कहा था, अरे बैठो ना और सुनता लो, ये क्या यहाँ दलित के लोग नहीं रहते, हमारे विधायक दलित नहीं है क्या जो इस तरह माननीय सदस्य को महोदय तुम और रे कहते हैं। महोदय ये महोदय अपनी भाषा को माननीय सदस्य भाजपा के माननीय सदस्य ने समय दिए बोल रहे हैं, भाजपा के माननीय सदस्य ने जिस तरह से सदन के अंदर एक माननीय दलित सदस्य को ये कुत्ता सियार कहा है, ये अपमान है और उनको माफी मांगना होगा। महोदय इधर से भी महोदय बोल दिए ना,
ये पूरे बिहार के दलितों का अपमान है महोदय। जब हम लोगों का सम्मान नहीं होगा तो दलित का सम्मान कैसे होगा महोदय? ये बात महोदय सदस्य, इधर से भी मौका मिलेगा, बोलने दीजिए उसको, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए महोदय। ये लोग गांव से लेकर के और ये सदन तक अपमान करते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये सदन के अंदर जो माननीय सदस्य ने इस तरह के शब्द का व्यवहार किया है उनको माफी मांगनी होगी, तभी सदन चलेगा। इसलिए आप आदेश करिए, हमारा इतना ही है। ये चूंकि ये लोकतंत्र का मंदिर है महोदय, इसमें लोकतंत्र में सभी जाति धर्मों को जनता जिता करके इस सदन में भेजती है महोदय। सुन लीजिए ना, आप लोगों को आदत है कि जब भी सदन के अंदर सदन के बाहर कोई अगर दलित का बेटा कुछ बोलना चाहता है तो आप लोग आज से 50 साल पहले वाला व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। महोदय महोदय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय, आप महोदय आसन पे बैठे हैं, अगर कोई व्यक्ति मुसहर का बेटा है और वो अगर इस व्यक्ति का महोदय अगर वो माननीय सदस्य का अगर आप जीवनी अगर इस माननीय सदस्य का अगर जीवनी और इतिहास आप निकालिएगा तो आधी जिंदगी अरे बैठिए ना, आपसे ज्यादा ने पढ़े लिखे हैं। माननीय सदस्य संजय सराफ कीजिए, माननीय सदस्य संजय सराफ, आपसे ज्यादा विद्वान है हम, बढ़ जाए माननीय, समझ गए अध्यक्ष महोदय। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मुसहर का बेटा अगर सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ है महोदय, उसके बाद असंसदीय भाषा का प्रयोग कि भौंकता है भौं-भौं करता है, अगर आपको लगता है अध्यक्ष महोदय, अगर आपको लगता है भाषा पहले हम कह दिए जो भी है प्रोसीडिंग में लेगा, अगर आपको लगता है आप जिस आसन पे बैठे हैं अगर आपको लगता है कि सदन में कोई दलित का बेटा को बोलने का अधिकार नहीं तो मैं सदन का बहिष्कार करता हूं, हम लोग सदन से चले। उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता जाने की जो खिसियाहट होती है वो इन लोगों में परिलक्षित और दिखाई पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सत्येंद्र जी जो बोल रहे थे कोई ऐसा शब्द नहीं बोले, इन लोगों ने उसमें जाति का रंग देकर और जो है, और मैं चुनौती देता हूँ सत्यदेव प्रसाद जी ने जो बोला शब्द वो आप वीडियो मंगा के देख लीजिए, अगर वो शब्द सत्येंद्र जी ने बोला होगा वो आप कितने मिसलीड कर रहे हैं। सत्यदेव जी को जातीय रंग दिया जा रहा है, सत्ता जाने की जो खिसियाहट होती है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई ऐसा जाति सूचक शब्द माननीय विधायक ने नहीं बोला और सत्यदेव जी ने जातीय सूचक शब्द बोला। आप वीडियो मंगा कर देखिए, सत्ता जाने की जो खिसियाहट होती है वही पिलाप ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जनता देख रही है, जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उसका हिसाब जो है इस सदन में होगा। और एक मिनट, मैं चुनौती देता हूँ सत्यदेव प्रसाद जी ने जो बोला है आप इसको नोट करिए और वीडियो देखिए, माननीय विधायक सत्येंद्र जी का भी वीडियो देखिए और सत्यदेव प्रसाद जी ने जो बोला है उसका भी वीडियो देखिए। जिन्होंने गलत बयानी की है उसको माफी मांगनी चाहिए और सत्यदेव प्रसाद जी को माफी मंगवानी चाहिए सदन में। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना बोलना चाहता हूँ आपको, और दलित का नाम लेके महोदय आसन सदन पूरा बिहार पूरा देश अवगत है कि इसी सदन में पिछले 7 दशक से अधिक से, मतलब 70 वर्षों से अधिक से दलित का बेटा, जिस कम्युनिटी का नाम लिया उन्होंने उसका बेटा सदन का सदस्य होके पिछले 75 वर्षों से इस सदन में आते रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद, मैंने किसी के आवाज से कमी नहीं,
उतनी बुलंद आवाज में जनता की के हक की बात करते रहे हैं। फिर इस तरीके से आसन को कटघरे में लाके पूरे संसदीय जो प्रणाली या हमारी जो मतलब विरासत है उसको कलंकित करना कि 50 साल पहले वाला व्यवहार किया जा रहा है। आप 50 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 75 साल पहले से इस सदन में दलित या किसी कम्युनिटी के लोग यहाँ आते रहे हैं और अपनी आवाज पूरी निष्पक्षता स्वतंत्रता और निर्भीकता से इस सदन में उठाते रहे, ये पूरे बिहार ने देखा है। और महोदय किसको कह दिया कि आप दलित की आवाज नहीं बंद करना चाहते हैं? क्या आसन पर बैठा आदमी किस वर्ग से आता है ये वो वाकिफ नहीं थे? और ये तो एनडीए गवर्नमेंट का कवाल है कि आज उस आसन पर आप बैठे हुए हैं महोदय। ये हम लोगों की मतलब मानसिकता है कि हम चाहे दलित हो या महादलित हो, हमेशा समाज का उसको सबसे सम्मानित अंग मानते हैं और मानते रहेंगे। इनके किसी ख्याल से हम लोग प्रभावित होने वाले नहीं है।